हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल टीम क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकारों को देखेंगे और डीएनए और आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे। जीवाणु का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। राइट, देखिए, न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तथा अनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? तो अनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में। राइट, तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। ये केंद्रक में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। तो दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं ये अब हम देखते हैं। तो देखिए, पहला होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसे डीएनए कहते हैं, और दूसरा होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसे आरएनए कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो इसके प्रकार होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के, डीएनए और आरएनए। अब हम डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। राइट, तो देखिए, डीएनए जो होता है वो मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और अगर आरएनए की बात की तो आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आपको ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है और आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इस दो लाइन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, दो पॉइंट को। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्लों के अनुप्रयोग। कि न्यूक्लिक अम्लों के अनुप्रयोग अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, अपराधी का दोष सिद्ध करना। सेकेंड नंबर है भूकंप, बाढ़ आदि महाविपदाओं द्वारा मारे गए व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता। भूकंप, बाढ़ आदि में महाविपदाएं जो आती हैं, उसमें जो व्यक्ति मारे गए होते हैं उनकी पहचान करने में सहायता करता है। तीसरा है बच्चों का पितृत्व निर्धारित करने और उसे मान्यता दिलाने में। ठीक है, बच्चों के जो पिता होते हैं उन मतलब कि बताने में कि ये तुम्हारे पिता हैं। ठीक है, तो बच्चों का पितृत्व निर्धारित करने और उसे मान्यता दिलाने में। तो दोस्तों, ये थे न्यूक्लिक अम्लों के अनुप्रयोग। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका ही बेनिफिट है, बिकॉज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।